आज का महानगर में आपका स्वागत है। मुंगरा स्टेशन परिसर से आग लगने की घटना सामने आई है। यह आग 19 फरवरी रात 3 बजे के करीब लगी थी। यह आग दिल्ली दरबार होटल के सामने एक जूस काउंटर के पास लगी थी। उसी जूस काउंटर को लगकर दो माँ बेटी मांग कर अपना गुजारा करते थे और रात में वहीं पर सोते थे। और इस आग लगने की घटना में उनका पूरा सामान जल चुका है। इस आग लगने की घटना में एक हुसैन नाम के लड़के का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस हुसैन नामक युवक ने ही यह आग लगाई थी और फिर सामने से आकर आग बुझाने में मदद भी की थी। जूस काउंटर के मालिक सरफराज से हमारी बातचीत हुई है और जिन माँ बेटी का इस आग में सामान जला है उनसे भी बातचीत हुई है, वो हम आपको सुना रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सरफराज भाई, कल रात में न्यू दिल्ली दरबार होटल के सामने आप जैसे पत्रकार समाज सेवक कहलाए जाने वाले इंसान के साथ में भी एक हादसा पेश आया है। क्या ये मामला था और क्या वारदात हुई कल रात में, यहाँ पर आप बता सकते हो? असल में कैसा है, फिलहाल मेरे 3 महीने के रोजे चालू है तो इसलिए मैं थोड़ा आउट ऑफ फील्ड हूँ, और मगर इधर मेरा ध्यान फील्ड पे भी है। तो यहाँ पे कल रात में आग लगी है। आग लगने की सूचना मुझे सुबह 11 बजे मिली। कौन सी जगह है ये? मुंगरा स्टेशन के सामने दिल्ली दरबार होटल के सामने ब्रिज के नीचे। तो मैंने इस बात की तहकीकात करना शुरू की कि यह आग लगी कैसे, क्योंकि यह आग जिस चीज़ में लगी है वो गरीब का सामान था। 3 साल से उन लोग यहीं पे, मैं उनको देख रहा हूँ कंटिन्यू, माँ बेटी दोनों ब्रिज के नीचे रहती थी और पूरा सामान यही रहता था, मगर अचानक आग लगी। एक पत्रकार का काम होता है पूरी सच्चाई जानना, फिर उसके बाद पत्रकारों को साझा करना। तो मैं इस बात पे ना छानबीन कर रहा था कि यह आग लगी तो लगी कैसे। अब थोड़ी देर पहले ही एक लड़का आया था, उसने बताया कि मैंने 3 बजे आग बुझाया। उसका नाम है हुसैन। वो हमेशा यहाँ पर भिखारियों के सामने बैठना उठना रहता उसका, उनसे कभी मार तोड़ करके पैसा ले लेना, बेवड़ों को मारना, रात मदरा 3-4 बजे तक घूमना। असल में रहता वो पहाड़ पे। अब जब मैंने CCTV फुटेज निकाला तो वो आग लगाया ही उसने, हुसैन ने, वो हुसैन ने ही आग लगाया। तो क्या कोई नशा वगैरह करता है वो हुसैन? नहीं, वो नशा वगैरह नहीं करता है, मगर उसने वो आग क्यों लगाया वो समझ में नहीं आ रहा है। बल्कि दोबारा वो आपको मिला, आपने उससे पूछे? मेरे वो आके मुलाकात करके गया, उसके बाद मैंने CCTV फुटेज निकाला, वो आग खुद लगा रहा है उसमें, मेरी गाड़ी की आड़ में वो खुद CCTV फुटेज में दिख रहा है कि आग लगा रहा है। और 2:42 का टाइम है रात का, उसने उस गरीब माँ बेटी का पूरा सामान जलवा दिया और उसकी बदलत गाड़ी में भी थोड़ी आग लगी। इस पर आपने कोई शिकायत करने की कोशिश की उस गरीब माँ बेटी को लेकर के मुंगरा पुलिस स्टेशन में? मैं वो माँ बेटी को ढूंढ रहा हूँ, वो माँ बेटी मिल नहीं रही है, क्योंकि उनके पास अभी कुछ भी नहीं बचा। वो जितना भीख मांग के लाते थे स्टेशन से वो पूरा पैसा भी उसमें जल गया है। उनके बदन के कपड़े भी नहीं बचे, एक एक जोड़ी कपड़े पे सुबह से दोनों रो रहे माँ बेटी, उन लोग भटक रहे इधर उधर। तो एक पत्रकार होने के नाते मैंने ये सोचा कि ये आग लगने की वजह क्या, तो पूरी डिटेल निकालने पर यह मालूम पड़ी कि CCTV फुटेज में वही बंदा आग लगा रहा है। यहाँ जिसने आपको बोला कि उसने आग बुझाया? हाँ, उसने 15 मिनट पहले ही आके गया, उसने बताया कि उसने आग बुझाया, जबकि CCTV फुटेज में दिख रहा है कि वो खुद आग लगा रहा है, और वो CCTV फुटेज हमने निकाली। क्या नाम है बेटा तेरा? कल रात में तुम लोग के सामान में कुछ आग लगी थी ना? कैसा आग लगी थी कुछ मालूम है तुम लोग को? नहीं भाई, कुछ नहीं मालूम। हम लोग सो रहे थे, जब हमने उठी तो पूरा चारों तरफ से आग पकड़ लिया था। मैं कुछ बुझा भी नहीं सकती थी, बस खड़ी रह के देख रही थी, पूरा जल गया मेरा सामान। तो सामान में क्या क्या अमानत थी उसमें? अंदर के अंदर मेरा सब नया नया कपड़ा था जो मुझे रमजान में पहनने का था, और नया कपड़ा था, नया चद्दर था। मैं पैसा रखी थी रमजान में कि नया ईद में कपड़ा लूँगी, और रमजान में अफ्तारी वगैरह के लिए, रमजान में मैं मांगती नहीं हूँ तो रमजान के लिए मैं पैसा अभी से ही संभाल संभाल के रख रही हूँ, सभी मेरा पैसा उसमें था। तो तुम लोग इधर सोए थे, तुम लोग को मालूम ही नहीं आग किसने लगाया? नहीं, पूरा आग पकड़ लिया था तब मेरी नींद खुली, और जब तो कोई था भी नहीं। रात में पुलिस वाले आए थे? हाँ आए थे ना, जब ही हुसैन पानी वानी डाल रहा था तब पुलिस वाले आए थे, पूछे क्या है इसमें तुम्हें, बोले हम लोग का नया कपड़ा है, चद्दर है। तो बोले इतनी आग कैसी पकड़ी? मैं बोली मुझे नहीं पता, जब पकड़ ली थी तब मैं देखी। तो बोले ऐसा नहीं कि हुसैन बुझा दे, हुसैन बुझा दे, ऐसा बोलते लोग।